गाइस, आप सभी का स्वागत है विनी वर्ल्ड में, यूनिक ब्यूटी शाइन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक ब्यूटीफुल फेस मास्क लेके, जो रियली रियली बहुत ही गुड है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपकी स्किन के लिए और 100% सिक्योर है। मैं जल्दी से आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको जल्दी से बताऊँगी वो ब्यूटीफुल फेस मास्क कौन सा है। पहले मैं उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने इसके लिए यूज़ किया है बायो ऑर्गेनिक मुलेटी पाउडर, आप देख सकते हैं। फिर मैंने लिया एलोवेरा जेल और तीसरा मैंने लिया है रोज़ वाटर। तो ओके गाइस, हम शुरू करते हैं हमारा ब्यूटीफुल फेस पैक, मुलेटी फेस पैक, जो लगाने से आपकी स्किन एकदम ब्राइट होगी और इसको आप कंटिन्यू करते रहिए वीकली 2-3 times, तो आपकी स्किन में एक अलग ही ग्लो दिखेगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अब शुरू करते हैं हम लोग यूनिक सा हमारा ब्यूटी फेस पैक। रेडी? आप देख सकते हैं मैं एक चम्मच हम एक चम्मच ये लेंगे मुलेटी पाउडर और इसमें हम लेंगे एक चम्मच एलोवेरा जेल, आप देख सकते हैं। और हम एक चम्मच इसमें डालेंगे गुलाब जल, आई थिंक थोड़ा सा और ले लेते हैं। 2 spoon हमने लिया है टोटली गुलाब जल। अब हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे गाइस, देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है और सेफ़ है ये रेसिपी, आपको इसमें हार्मफुल केमिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको अब आप ब्रश की सहायता से यहाँ पे पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हमारा फेस पैक रेडी है। अब हम इसको ब्रश की सहायता से या फिर अपने हाथ से धीरे से हम अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं फेस पे अप्लाई आपको हाथ पे अप्लाई करके अच्छे से बता सकती हूँ कि आप फेस पे कैसे अप्लाई करेंगे इसको। तो रेडी करते हैं हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। हमें इस तरह से लेके धीरे धीरे अपने चेहरे पे, ज़्यादा उसको गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा गीला ही रखना है आपको उसे। देखिए गाइस, अब थोड़ा गीला सा रखेंगे तो उसको हम लोग अच्छे से रब कर सकते हैं अपनी स्किन में, टाइट करेंगे तो अच्छे से स्किन के अंदर ऑब्जर्व नहीं होगा और वर्क नहीं करेगा। आप उसको थोड़ा सा लूज ही रखिए। देखिए आप किस तरह से, रियली रियली इफ़ेक्टिव है ये फेस मास्क। आप इसको रेगुलर भी कर सकते हैं, कोई डर वाली बात नहीं है। आपको आप जितना इसका इस्तेमाल करेंगे उतना आपका चेहरा ब्राइट होगा, ग्लो करेगा और जो पिगमेंटेशंस रहते हैं, जो हमारे जो भी कील मुहासे होते हैं उनके थोड़े स्पॉट्स रहते हैं, वो भी धीरे धीरे लाइट हो जाएंगे। एकदम से लाइट नहीं होंगे, इसको आपको अगर रेगुलर करेंगे एक दो दिन छोड़ के, तो रियली आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा आपको। तो अब आप इसको इस तरह से सर्कुलर मोशन में आप अपनी आईज़ पे, नोज पे, चिक और पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई, इंक्लूडिंग आपको नेक को भी इंक्लूड करना है उसमें, और अच्छे से नेक पे भी इसको मसाज कर दीजिए। फिर 2 या 3 minutes तक इसको अच्छे से रब करते हुए स्किन में ऑब्जर्व हो, तब तक थोड़ा ड्राई हो तब तक आप वेट कीजिए। तब तक उसको धीरे धीरे, ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना है, स्लो मोशन में आपको धीरे धीरे से रब करना है। ओके, जब ये ड्राई हो जाए तब आपको इसे अच्छे से ठंडे पानी से धो लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ धो के।
तो अब वो ड्राई हो गया और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। कम से कम आप 5 मिनट्स रखिए उसको, 5 से 6 मिनट्स रखिए हल्का ड्राई होने तक। फिर आप उसको अच्छे से ठंडे पानी से धो लीजिए, आप साबुन का इस्तेमाल मत कीजिए कुछ देर तक। फिर आप उसे फिर से एक बार अपने चेहरे पे फेस को धोने के बाद आप हल्का सा मॉइस्चराइज देने के लिए, डायरेक्ट मॉइस्चराइज क्रीम का यूज़ ना करें फ्रेंड्स, आप उसको इस तरह से एलोवेरा जेल लगा लें। इससे क्या होगा, आपके अच्छे से मॉइस्चराइजर मिल जाएगा आपकी स्किन को, और एलोवेरा जेल से स्किन बहुत सॉफ्ट होती है गाइस। आप देख सकते हैं इस हाथ को और इस हाथ को देख सकते हैं आप कितना फ़र्क है, रियली रियली सॉफ्ट, रियली रियल गुड। तो मैंने हाथ पे करके बताया, ये ही बेसिक जो मैंने आप पे हाथ पे जैसा करके बताया वैसे ही आपको फेस पे लगाना है, नेक पे लगाना है और अच्छे से फेस को क्लीन कर लेना है। अगर आप कंटिन्यू इसको एक दो दिन में ये मास्क आप यूज़ करेंगे तो रियली आपकी स्किन रियली रियली गुड हो जाएगी। मैं इसका सारा जो जो भी इसकी इंग्रेडिएंट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं या कहीं मार्केट में भी आप परचेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरा ये यूनिक फेस वॉश पसंद आया है तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, खूब शेयर कीजिए और आपका प्यार दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।